아침에 쌀과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금 Hi friends, welcome back to my channel Creative Pharmacist. मैं श्रुति. तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर एक वॉल डेकोर लेके आई हूँ जो ग्लास की बॉटल के जो कैप होते हैं ना उससे बनाया हुआ है. तो वीडियो पूरा देखना और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, बाजू में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आएगी और आप वीडियो देख सकोगे. चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बॉटल के कैप ले लिए हैं और उन कैप्स को मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि लिप का शेप इन्हें मिले. ऐसे मैंने 14 या 15 किए हैं. आपको जितने मर्जी आप कर सकते हो उसी तरह से आपको चिपकाना पड़ेगा. तो देखिए इस तरह से आप हाथ से भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और हाथ भी दर्द करते हैं, इसलिए मैंने प्लायर का यूज़ किया है. इस तरह से मैंने करके फिर इन्हें ग्रीन कलर दे रही हूँ. आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ ग्रीन का. आप थोड़ा फेंट कलर भी यूज़ कर सकते हो. इसी तरह से मैं पूरे कलर कर ले रही हूँ जितने मुझे चाहिए थे. तो चलिए फिर अब जो प्लेन कैप है उन्हें भी रेड कलर से मैं कलर करने वाली हूँ. ये मैंने आई थिंक 20 या 30 ऐसे कुछ किए हुए हैं. इस तरह से मैंने अच्छे से इन्हें कलर कर लिया है. और देखिए यहाँ पे एक और कांड हो गया कि वो जो ढक्कन है वो मेरे हाथ से गिर गया. ऐसे छोटे मोटे कांड तो वीडियो कर बनाते वक्त होते ही जाते हैं. तो ये तार है जो ऐसे राउंड शेप में था इसे भी ग्रीन कलर से मैं कलर कर ले रही हूँ. तो वैसे मैंने आपको तो बताया नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ. तो मैं एक जो अंगूर का ये होता है पेड़ वो बनाने वाली हूँ. तो देखिए यहाँ पे मैं मेटालिक ग्रीन कलर से इन लिप्स को अच्छे से शेडिंग दे रही हूँ ताकि थोड़ा रियल लुक इन्हें मिल जाए. तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से रेडी हो गया है. फिर मैं सभी को वार्निश अप्लाई कर रही हूँ ताकि इनका कलर प्रोटेक्टेड रहे और यह धूल मिट्टी से बचे रहे. क्योंकि अगर वार्निश हम लगाएंगे तो हम अच्छे से इसे पोंछ भी सकते हैं. इसीलिए मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ कम हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो पूरा देखते जाओ ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ जाए और मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो. और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप वीडियो देख सको. तो यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा मैंने ब्राउन कलर से कलर कर लिया क्योंकि वो टुकड़े का कलर अच्छे से मैच नहीं हो रहा था लकड़ी से. इसीलिए तो ब्राउन कलर से कलर करने के बाद मैंने वार्निश भी उस पर अप्लाई कर लिया है. और यहाँ पे मैंने दो कार्डबोर्ड के टुकड़े ले लिए हैं जो मैंने ओवल शेप में कट कर लिए हैं और उसे मैं फेविकॉल एसएच की हेल्प से दोनों को चिपका रही हूँ इस तरह से. और ये थोड़ा ड्राई होने के बाद मैं उसके ऊपर टिश्यू की लेयर लगाने वाली हूँ जो एजेस छुपाने में मेरी मदद करेगी. तो फेविकॉल में मैंने पानी मिक्स करके एक घोल बना लिया है और उसी के हेल्प से मैं टिश्यू पेपर इसके एजेस पे चिपकाने वाली हूँ. तो मैं टिश्यू पेपर के स्ट्रिप्स इस जो कार्डबोर्ड है उसके एजेस पे इस तरह से चिपका रही हूँ ताकि प्रॉपर फिनिशिंग इसे आ जाए. आप मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हो या आप न्यूज़पेपर भी इसकी जगह पे लगा सकते हो, लेकिन मैंने टिश्यू पेपर ही इस बार लगाया है. मैं बहुत बार मास्किंग टेप भी यूज़ कर लेती हूँ. तो इस तरह से मैं दोनों साइड से इस टिश्यू पेपर को प्रॉपर से चिपका रही हूँ ताकि ये निकले ना. और
फिर जो ये कार्डबोर्ड है इसे भी टिश्यू पेपर से एक मजबूती मिलती है और ये जल्दी खराब नहीं होता। अब मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर के दो स्टिक्स ले लिए हैं, मैंने इसे राउंड करके बनाया है। आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ये किस तरह से बनाया है आपको समझ में आ जाएगा। और इसे मैं इस कार्डबोर्ड के बॉर्डर में लगा रही हूँ ताकि एक फिनिशिंग यहाँ पे मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे इस पे भी कलर करना था। तो मैंने इन्हें नीडल से सपोर्ट दे दिया है सूखने तक। तो मैंने दूसरे बाजू में भी अभी न्यूज़पेपर का रोल लगाने वाली हूँ, लेकिन जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैंने पहले कट कर दिया और फिर उसके एजेस को फेविकॉल लगा के फिर बाद में मैंने इस न्यूज़पेपर का दूसरी स्टिक भी यहाँ पे चिपका ली है और इसे भी निडल से सूखने तक सपोर्ट दे रही हूँ। और फिर बाद में मैं इसे जेसो से कोट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे वाइट जेसो ले लिया है और इसे मैं अच्छे से कलर कर रही हूँ ताकि बाकी के जो कलर है ये इस पे उभर के आ जाए। तो ये ड्राई होने के बाद मैं इस तरह से निडल निकाल के मैंने दोनों बाजू के एक्स्ट्रा जो न्यूज़पेपर का रोल है उसे कट कर लिया। फिर ब्राउन कलर से मैं इस बोर्ड को कलर कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसे स्पंज से अच्छे से डैब डैब करके कलर कर दिया ताकि प्रॉपर शेड इसे आए। और ब्राउन कलर में बाद में ब्लैक कलर मिला के मैंने इसके जो साइड्स है उसे भी डार्क कलर में कलर कर लिया ताकि रियलिस्टिक लुक इसे आ जाए। और फिर ब्लैक कलर से भी थोड़ा सा शेड्स दे के मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अब इन्हें चिपका रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे सभी जो पार्ट्स है वो रेडी है और अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे एक एक करके चिपका रही हूँ। तो आप बोन फिक्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ग्लू गन ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाती है। तो हम रंगोली बनाते हैं उसी तरह से बिंदियों जैसे इसे चिपकाना है। तो देखिए मैंने 5 4 3 2 1 और ऊपर में मैंने 3 4 इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। और फिर इसके ऊपर मैं और एक लेयर लगा रही हूँ। तो 4 के ऊपर 3 और 5 के ऊपर 4 इसी तरह से इसे लगा के इन्हें कंप्लीट करना है। और फाइनली 2 के ऊपर 1 जो है कैप उसे लगा ले रही हूँ। और जो अंगूर का ऊपर का पोर्शन है उसे मैंने पेस्टल पिंक कलर से कलर करके वहाँ पे चिपका दिया है। और ये लकड़ी भी मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपका रही हूँ, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा फोल्ड किया बाद में चिपकाया है ताकि जो हम लिप्स यहाँ पे लगाएंगे वो थोड़े ऊपर में आ जाए। अभी मैं यहाँ पे लिप्स भी ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से चिपका रही हूँ। तो इसकी जो पोजीशन है वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। और इसी तरह से मैंने इसे कलर कर लिया। और ये वायर का जो टुकड़ा है इसे भी मैंने इस तरह से चिपका लिया है। और दूसरी बाजू भी मैं यहाँ पे लिप्स अच्छे से चिपका रही हूँ। ये कंप्लीट होने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तो चलिए अब इसका फाइनल लुक भी देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट करना। आपके कमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चलिए तो फिर देखिए इसका फाइनल लुक। वीडियो पूरा देखने के लिए सच में थैंक यू। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो बाजू में बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आएगी और आप वीडियो देख सकोगे। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए DIY के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे अच्छे DIY बनाते रहो और अपने घर को सजा
लगाते रहो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।